इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर हमने फोन किया और फिर से कुंठी ने उठाया और हमारे एलन से बात करने या फिर मिलने का जिद किया तो हम क्या जवाब देगा? अडॉप्शन पेपर्स के लिए तुम्हें मैडम सरला जी से बात करने पड़ेंगी। यही तो मैं सोच रही हूँ कि वो पेपर्स कैसे मिलेंगे। वैसे जो पेपर्स चाहिए वो तो हमारे पास हैं, बट यू नो हमारे एलन का बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे सरला जी से फोन पे बात करूं। कुंती, वो मैंने रमा को दवा देनी चाहिए तो वो दवा लेने से इनकार कर रही है। तो मैं क्या करूं? जाके सरला दीदी को बोलो। क्या अचानक तुझे क्या हो गया? तुम सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, झूठ बोलते हो मुझसे, यहाँ तक कि वो मिसेस ब्रिगेट भी। उसने तुमसे क्या झूठ बोला? उनका फोन आया था, उन्होंने मुझसे बोला कि वो स्वीडन से बोल रही है, जबकि वो झूठ था। क्या मतलब? अब वो स्वीडन में रहती है तो वहीं से फोन करेंगी ना? नहीं, उनका फोन स्वीडन से नहीं आया था, मैंने रिंगटोन सुनी थी, वो लोकल थी प्रभा। ये तो क्या कह रही है? हाँ, उसने मुझे टालने के लिए होशियारी की और मैं भी उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं तो बेवकूफ हूँ। प्रभा, एसटीटी और आईएसडी की रिंगटोन लंबी होती है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ये तो मैं भी जानती हूँ। उसने सरासर मुझे टालने की कोशिश की और मैं बेवकूफ की तरह से उसकी बातों में आ गई। इसका मतलब फोन उसने यहीं से किया था, वो लोकल फोन था। हाँ प्रभा, देखा आज मैं सुबह से तुझसे कह रही थी ना कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा यहीं कहीं आसपास है। देखा, ये बात सच निकली। वो अगर यहाँ है तो आने से पहले उन्होंने सरला दीदी को जरूर बताया होगा। सरला दीदी से अब मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे कुछ भी बात बताएंगी। और मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि मिसेस ब्रिगेट को भी उन्होंने झूठ बोलने को बोला है। वो मुझसे बात को छिपाना चाहती है प्रभा। उनके छिपाने से बात छुपी तो नहीं ना? तुम्हें तो पता चल गया ना प्रभा? ये तो मेरा एहसास है, माँ की सच्ची पवित्र भावना जो मुझे मेरे कर्ण के बारे में खबर मिल गई। मेरा एहसास मेरे बच्चे को लेकर कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब क्या करेगी तुम? अब मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि मिसेस ब्रिगेट ठहरी कहाँ है, क्योंकि अगर वो यहाँ आई है तो कर्ण भी जरूर उनके साथ यहाँ आया होगा। सरला जी नमस्कार। अरे आप इस वक्त यहाँ? सूरजमल जी ने किसी काम से भेजा है? जी नहीं, मैं किसी और काम से आया हूँ। आइए बैठिए। कहिए, क्या काम है? आपको याद है सरला जी, हमारे आश्रम के रजत जयंती समारोह में स्वीडन से एक पति पत्नी आए हुए थे। हाँ, मिस्टर ओलियो और मिसेस ब्रिगेट, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वही तो है जिन्होंने कुंती के बेटे कर्ण को गोद लिया है। उन्हीं मिसेस ब्रिगेट की तरफ से मैं आया हूँ, वो लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या? हाँ, उन्होंने आपसे बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन फोन कुंती ने उठाया, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। हाँ, वो मैंने ही कुंती को फोन अटेंड करने के लिए कहा था, उस वक्त मैं बिजी थी, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो मिसेस ब्रिगेट का फोन है। क्या कुंती ने आपको बात करने के बाद बताया नहीं? नहीं, बाद में उसने मुझे बताया कि मिसेस ब्रिगेट का फोन आया था, लेकिन वो कह रही थी कि वो स्वीडन से आया था। मिसेस ब्रिगेट ने कुंती से छुपाने के लिए झूठ बोला था, वो नहीं चाहती कि कुंती को यह बात पता चले वो लोग यहाँ इस शहर में आए हुए। मैं उनकी परेशानी समझ रही हूँ। कुंती ने शायद कर्ण के बारे में पूछा तो उन्होंने फोन काट दिया, फिर वो दोबारा फोन करने में हिचकिचा रही। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपसे बात की होगी? जी हाँ,
उन्होंने आपको फोन पर बात करने के लिए कहा है, कोई जरूरी काम। उनका नंबर क्या है? इस कार्ड पर उनका नंबर लिखा है, आप उनसे फोन पर बात कर लें, बस यही खबर देने में आया। ठीक है, मैं अभी उनसे फोन पे बात करती हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हेलो। हेलो मिसेस ब्रिगेट। जी हाँ, आप कौन? मैं महिला नवजीवन आश्रम की इंचार्ज सरला बोल रही हूँ। हेलो सरला जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? यहाँ कब आए? हम लोग आज सुबह ही आया था। एक्चुअली ओलिवर को कुछ काम था तो ओलिवर जिद करने लगा कि आप लोग भी साथ चलो, तो हम भी साथ आ गए। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करना था। मालूम है मुझे। इनफैक्ट मुझे आपसे ये कहना था कि जो पेपर्स आप भेजने वाली थी, अगर आपने पोस्ट नहीं किए तो आप भेज दीजिए। हम लोग एक्चुअली यहाँ तक आए हैं तो आई एम थिंकिंग कि काम कर ही लेते हैं। वो पेपर्स मैंने संभाल के रखे हैं, आप जब चाहें आकर ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं आश्रम तक नहीं आ सकती सरला जी, और ये बात कुंती को भी नहीं पता चलनी चाहिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। एक्चुअली सरला जी, मैं नहीं चाहती कि कुंती की वजह से मुझे अननेसेसरीली कोई टेंशन हो। अगर उसे पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई मुश्किल ना आ पाए। अच्छा ये बताइए, कर्ण, मेरा मतलब है एलन कैसा है? एलन इज एब्सोल्युटली फाइन। एलन के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। सरला दीदी, हाँ जी हाँ, आपने ठीक कहा। ये आश्रम इन औरतों के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करता है। अरे ये तो इस देश का एकलौता आश्रम है। हेलो सरला जी, ये आप अचानक कैसे बातें करने लग गई? एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ कुंती बोलो, क्या बात है? दीदी मैंने रसोई घर में राशन रखवा दिया है। ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में देखती हूँ। जी। क्या है ना मिसेस ब्रिगे, कुंती आ गई थी इसलिए मुझे बात बदल कर बोलनी पड़ी। ये आपने बहुत अच्छा किया सरला जी, कुंती को नहीं पता चलना चाहिए कि हम कहाँ रुका है। जी अब आप हमें बताइए सरला जी कि आप हमारे तक पेपर्स कैसे पहुँचाएंगे? बिकॉज कुंती के डर से हम आश्रम नहीं आ सकता ना। आप चिंता ना करें, मैं वो पेपर्स किसी भरोसेमंद आदमी के हाथों भेज दूंगी। आप जहाँ ठहरी हैं वहाँ का पता दे दीजिए। राइट ऑन द एड्रेस। हाँ जी, एक मिनट बोलिए। कौन सा रोड? हाँ उस तरफ। सब गड़बड़ कर दी। मुझे क्या मालूम था कि तू वहाँ खड़ी क्या कर रही थी? अंदर ऑफिस में सरला दीदी मिसेस ब्रिगेट से फोन पर बात कर रही थी। क्या? हाँ, जैसे मैं अंदर गई तो मुझे देखते ही सरला दीदी ने बात पलट दी। मैं तभी समझ गई थी कि जरूर कोई ऐसी बात है जो सरला दीदी मुझे बताना नहीं चाहती, इसलिए मैं बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी और तू वहाँ आ गई। मुझे सचमुच नहीं मालूम था, वरना क्या मैं ऐसा करती? गलती तुम्हारी नहीं है प्रभा, गलती मेरी तकदीर की है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है, कर्ण यहीं आया हुआ है इसी शहर में। तकदीर की बात करती हो तो ये तुम्हारी तकदीर का ही करिश्मा है कि कर्ण वापस आया है। करिश्मा तो मैं तब समझूंगी प्रभा जब मैं उससे मिल पाऊंगी। ये जानते हुए कि वो इस शहर में आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस तक पहुंचूं कैसे। तुम सरला दीदी से जाकर पूछती क्यों नहीं हो कि मिसेस ब्रिगेट कहाँ ठहरी हुई है? पूछने पर वो बताएंगे क्या? मुझे देखते ही जिन्होंने बात पलट दी वो क्या कर्ण के बारे में मुझे बताएंगे? इतनी दूर से पास आकर अगर कर्ण से तू नहीं मिल पाई तो? ऐसा मत बोल प्रभा, ऐसा मत बोल। मैं अपने कर्ण से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, उसकी एक झलक के लिए छटपट आ रही हूँ।
एक बात कहूं, जब मिसेस ब्रिगेट का फोन आया था, अगर तू जरा से चालाकी से काम लेती ना, तुझे सब पता चल जाता। प्रभा, एक चालाकी तो नहीं सीखी मैंने। मैं मिसेस ब्रिगेट की आवाज सुनकर इतनी उत्साहित हो गई थी कि अपने आप पर काबू खो बैठी और कर्ण के बारे में पूछ बैठी, लेकिन कर्ण का नाम सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया। अब ना सरला दीदी तुम्हें कुछ बताएंगी और ना मिसेस ब्रिगेट तुम्हें कोई मौका देगी। मुझे मेरे बेटे तक पहुंचने का, उससे मिलने का जरिया दिखा दो, कोई रास्ता सुझा दो। ये मौका मेरे हाथ से मत जाने देना भगवान, प्लीज। आपने उसे स्वीडन से यहां तक पहुंचाया तो अब मां बेटे के बीच में फासला मत होने दे दो, मेरी आपसे विनती। बजरंग बली, हे संकट मोचन, सबके दुख हरो, सब पर कृपा करो और अपने इस भक्त को आशीर्वाद दो कि हमेशा सच्चाई का साथ दे। जय बजरंग बली। सरला दीदी नमस्ते। नमस्ते हिम्मत, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। बताइए दीदी, आपका काम करने में, आश्रम का काम करने में, सच कह रहा हूँ दीदी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जानती हूँ और इसीलिए तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। एक बात कहूँ दीदी, सोचता हूँ कि स्वामी जी का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं। उन्होंने आपसे परिचय करवा दिया, कुंती जी से परिचय करवाया, बताइए दीदी क्या काम है। ये लिफाफा है, तुम्हें ये लिफाफा इस पर लिखे हुए पते पर पहुंचाना है। तुम्हें वहां एक औरत मिलेगी, उनका नाम मिसेस ब्रिगेट है। ये लिफाफा उन्हीं के हाथों में देना और किसी को नहीं, समझ गए? अच्छा, मिसेस ब्रिगेट ना दीदी? ठीक है दीदी, मैं इस पते पर ये लिफाफा पहुंचा दूंगा। ये जिम्मेदारी का काम है हिम्मत, इसमें जरूरी कागजात है, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम कहाँ गए थे और किससे मिले? आप निश्चिंत रहिए दीदी, मैं अभी गया, अभी आया। हिम्मत जी दीदी, पहले ये लिफाफा अपनी थैली में रखो ताकि किसी की नजर नहीं पड़े उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा, लो रख लिया, अब जाऊं? अच्छा, अरे कुंती जी, अरे मैं आपको प्रसाद देने आया था और आपको ही देना भूल गया। ये लीजिए। जानती हैं कुंती जी, हनुमान जी के प्रसाद में बहुत शक्ति है। बुरा मत मानिएगा हिम्मत जी, लेकिन आपके ये हनुमान जी है ना, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कुंती जी, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। हिम्मत जी, आपने मेरे लिए कितनी प्रार्थना की, उसका क्या हुआ? क्या मुझे मेरा बेटा कर्ण वापस मिला? कुंती जी धैर्य मत खोइए, एक दिन कर्ण आपसे मिलने जरूर आएगा। कब? जब मैं कर्ण की याद में तड़पते तड़पते मर जाऊंगी, तब तब वो मेरी चिता को आग लगाने आएगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कुंती जी, हमारे प्रभु इतने कठोर हृदय थोड़ी है, वो तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा ले रहे हैं,
और कितनी परीक्षा लेंगे वो मेरी? मैंने अपना सब कुछ तो खो दिया है।